इंडिया आज तक आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अलग अलग हादसों की शिकार मृतकों की परिजनों को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजी मदद। अमेठी लॉकडाउन के दौरान घर आ रहे अलग अलग हादसों की शिकार मृतकों के परिजनों को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजी मदद। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी के सिंहपुर विकास खंड के अलग अलग गांव के निवासी दो युवक जितेंद्र अवस्थी व फरियाद अली की लॉकडाउन में घर आते समय अलग अलग स्थानों पर दुर्घटना के चलते मौत हो जाने पर अपने प्रतिनिधि कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंगल व NSUI के महासचिव प्रशांत त्रिपाठी के द्वारा 1,00,000 की आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई। मृतक के परिजनों ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का आभार जताया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता परमानंद मिश्रा, चौधरी सऊद, दुर्गेश दीक्षित, कमलेश अग्निहोत्री, शरद मिश्रा आदि मौजूद रहे। अमेठी से ब्यूरो चीफ वसीम की रिपोर्ट। शहादत दिवस के नाम से इसको मना रहे हैं आज। तो हमारे भाई सचिन पर शहीद हुए हैं जवान, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं मयंक जी के। उन्होंने NSY के अध्यक्ष 1,00,000 रुपया आप लोगों के जीविका के लिए भेजा है, जिससे बच्चों के आराम से आप सेवा कर सकें। इसको अपने खाते में लगवा दीजिएगा, ठीक है ना। और अपने जैसे जैसे आपको जरूरत हो वैसे वैसे आप खर्च करिएगा। किसी के कहने पर या किसी कहने पर पूरा रुपया मत निकालिएगा एक बार। और अगर कहीं कोई दिक्कत हो आपको तो आप बता दीजिए, हम लोग फिर आ जाएंगे। नंबर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की तरफ से राहुल जी के जन्म दिवस पर, राहुल गांधी जी ने इस बार जन्म दिवस नहीं मनाया है आप सबकी पीड़ा को देखते हुए। तो राहुल जी ने स्पेशली कहा था कि वहाँ जाइए आप सब लोग और उस परिवार की मदद करिए। तो राहुल जी की तरफ से ये सारा प्रतिमंडल आया है आप सबकी मदद। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।